आज हम बात करेंगे परहेज की, क्योंकि हर कंसल्टेशन के बाद हर मरीज का ये सवाल होता है, डॉक्टर साहब परहेज क्या है। सबसे पहले तो मैं समझा दूं, परहेज का एलोपैथी में इतना स्ट्रांग कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि इस देश में आयुष है, यहां पर तरह तरह के प्रैक्टिशनर्स हैं, आयुर्वेद है, यूनानी है, होम्योपैथी है, और एक नेचुरोपैथी करके भी है जिसमें हम अपनी ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं कुछ प्रॉब्लम्स के लिए। एलोपैथी में ज्यादातर परहेज का कॉन्सेप्ट कम रहता है, बाकी सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन में रहता है, क्योंकि वो काफी चीजों में बिलीव करते हैं जिसमें परहेज की जरूरत है। एलोपैथी और परहेज, सबसे पहले तो मैं बता दूं, एलोपैथी के परहेज ये हैं जो यूनिवर्सल हैं, हर चीज के लिए हैं। एलोपैथी के परहेज हैं, तंबाकू नहीं लेना, शराब कम से कम या बिल्कुल नहीं लेना, नमक कम खाना है, चीनी नहीं लेनी है, और वनस्पति या ट्रांस फैट, जो सैचुरेटेड फैट होता है, वो नहीं लेना। ये चीजें हैं जो एलोपैथी ने रिसर्च करके पता की हैं कि ये शरीर के लिए हार्मफुल हैं और ये आपने नहीं लेनी। इसके लिए आपको एलोपैथिक डॉक्टर से पूछने की भी जरूरत नहीं है। मैं फिर दोहराता हूं, तंबाकू, अल्कोहल, सॉल्ट कम से कम, शुगर बिल्कुल नहीं, और वनस्पति या ट्रांस फैट नहीं लेना, ये आपके आर्टरीज और हार्ट के लिए खराब है। इसके अलावा एलोपैथी ज्यादातर परहेज में नहीं बिलीव करती, एक्सेप्ट अगर आपको कोई एलर्जी है। अगर आपको ग्लूटेन एलर्जी है तो आटा से प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो मिल्क और दूध के प्रोडक्ट से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आपको नट एलर्जी है तो आपको नट्स से दूर रहना है। एलोपैथिक डॉक्टर के पास परहेज का कॉन्सेप्ट मैं एक उदाहरण से बताता हूं। एक मेरे ईएनटी स्पेशलिस्ट फ्रेंड ने कहा कि सर, हम अपने हॉस्पिटल में राउंड करते थे और उस राउंड में हमारा सीनियर डॉक्टर जब पेशेंट को मिल रहा था तो पेशेंट के फादर ने पूछा, डॉक्टर साहब इसका कान का ऑपरेशन हुआ है, इसका परहेज क्या है, इसमें खाने पीने में क्या परहेज है। तो डॉक्टर ने, जो सीनियर था, उसने अवॉइड किया क्वेश्चन और अगले पेशेंट में चला गया राउंड पे। तो वो फादर पीछे पीछे आया, फिर पूछा उसने सीनियर डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब इसके खाने पीने का क्या परहेज है। तो वो सीनियर डॉक्टर ने जवाब दिया कि इसको बैंगन नहीं खिलाना। पूरा राउंड हो गया तो जो मेरा फ्रेंड है, जो ईएनटी स्पेशलिस्ट है, उसने अपने सीनियर से पूछा, सर आपने उस पेशेंट के अटेंडेंट को बैंगन खाने से मना किया था, उसकी क्या वजह है। तो सीनियर डॉक्टर ने कहा, मुझे बैंगन अच्छा नहीं लगता, मैंने उसको मना करवा दिया, कुछ भी खा सकता है वो, कोई भी परहेज नहीं है, लेकिन जब तक मैं एक या दो चीज मना नहीं करूंगा तब तक ये मेरे पीछे आते रहेंगे और सवाल जवाब करते रहेंगे। इसलिए एलोपैथी समझती है कि ज्यादातर परहेज मरीज खुद समझते हैं। अगर आपका गला खराब है तो आप मिर्च मसाले वाला खाना नहीं लेंगे, आपका गला आपको बताएगा। अगर आपके घुटने में चोट है तो आप हॉकी का मैच खेलने नहीं जाएंगे, ये आपकी कंडीशन आपको बताएगी। एलोपैथी और परहेज, ज्यादातर एलोपैथिक डॉक्टर्स परहेज के बारे में बात नहीं करते। एलोपैथी में खाली ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको किसी चीज से एलर्जी है तो उस चीज का आपको परहेज करना चाहिए, बाकी आप कुछ भी ले सकते हो। मेरी स्पेशलिटी में, ईएनटी में खासकर, मरीजों को गलतफहमी रहती है कि केला नहीं खाना, दूध नहीं देना, दही नहीं देना। एक बच्चा अभी आया था हाल ही में, जिसमें पेरेंट्स ने बोला कि डॉक्टर साहब इसका हमने एक साल से केला, पपीता और दही बंद कर रखा है, 5 साल की बच्ची थी, और ये 3 चीजें इसकी फेवरेट हैं। तो जब मैंने पूछा क्यों बंद कर रखा था, क्योंकि घर वालों ने कहा कि इनसे बलगम बनती है, तो क्योंकि इसके नाक और गले में बलगम थी तो हमने ये बंद कर रखी है। एलोपैथी में इसका कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि आप ये चीजें बंद करने से बलगम बंद होगी या नहीं होगी। आपने बच्चे को जो सबसे सेफ और जो पसंदीदा चीजें हैं, आपने उसको बंद कर रखी हैं, बच्चे की सेहत पे असर पड़ता है, बच्चे की एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ में फर्क पड़ता है, और उसमें कोई भी साइंटिफिक वैलिडेशन नहीं है कि आप बच्चे का केला बंद कर दें या पपीता बंद कर दें या उसको दही ना खाने दें।
दही खाना सबसे सेफ चीज है, सबसे हेल्दी चीज है, उसको तो पहले ही बैक्टीरिया ने आपके लिए डाइजेस्ट करके रखा है, तो दही खाने में तो आपको कभी भी परेशानी होनी नहीं चाहिए। तो इस तरह की जब परहेज की बातें आप एलोपैथिक डॉक्टर के साथ करते हैं, ज्यादातर उनको परहेज का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता। ज्यादातर एलोपैथिक डॉक्टर समझते हैं कि आपको खुद पता होना चाहिए कि सेंसिबल चीजें क्या हैं और वो आप ना करें। टमाटर ना खाएं, खट्टा ना खाएं, कॉफी ना पिएं, चाय ना पिएं, कुछ कुछ चीजें दवाई के साथ नहीं काम करेंगे, इनको बंद करके रखो, ये सब एलोपैथी में नहीं है। कुछ दवाइयां जरूर हैं जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करती हैं, वो आपको बताया जाएगा। कुछ दवाइयां खाना खाने के बाद खानी पड़ती हैं, वो आपको बताया जाएगा। और कुछ दवाइयां खाली पेट लेते हैं, वो भी आपकी प्रिस्क्रिप्शन में लिखा जाएगा, टू बी टेकन बिफोर फूड। इसके अलावा एलोपैथी में परहेज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है।